न्यूमेरिकल के हमने तीनों मेथड्स कर लिए हैं अभी। वैसे आपको मेथड्स के साथ साथ उनके स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस भी करने हैं थियोरेटिकली, ठीक है ना। बट उससे पहले एक चीज कुछ करा रहा हूँ, कुछ एग्जाम आ रहा है किसी स्टूडेंट्स का, तो उनके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल से इसका कोई लेना देना नहीं है, आइसोलेटेड टॉपिक है। ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाई आर वी इवन स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? टू एस्टिमेट डोमेस्टिक इनकम, टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। सर वो तो हमें आता है, इनकम मेथड से भी कर लेंगे, एक्सपेंडिचर से भी कर लेंगे, वैल्यू एडेड से भी कर लेंगे। यस, न्यूमेरिकली हम वो पूरा कवर कर चुके हैं, बट थियोरेटिकली व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसने कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता, कहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है उससे फर्क पड़ता है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो हम क्यों पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का पर मीनिंग ही, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम वी नीड टू आइडेंटिफाई वेयर, कहाँ पे इनकम जनरेट हुई है, कहाँ पे इनकम जनरेट हुई है। अगर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है तो डोमेस्टिक इनकम है, अगर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हुई है तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आप कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या क्या है। आने से पहले हमें समझ आना चाहिए कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग समझ ही क्यों रहे हैं, ताकि डोमेस्टिक इनकम निकाल सके। क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कुछ आइटम्स देंगे वो आपको, हमें बताना है कि इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम पे क्वेश्चन आए तो इंक्लूडेड कब होगा, इफ द इनकम इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड है, इफ द इनकम इज जनरेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या होता है ये डोमेस्टिक टेरिटरी, इंपॉर्टेंट है। इफ द इनकम इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, इफ द इनकम इज जनरेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कहाँ जनरेट हुई है उस वो इंपॉर्टेंट है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, वेयर, वेयर द इनकम वॉज जेनरेटेड। इफ द इनकम वॉज जेनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पैसे कमाए किसने उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे रेजिडेंट ने कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाए, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि किसने कमाए, क्या फर्क पड़ता है कहाँ कमाए। हु जनरेटेड द इनकम इज इमेटीरियल वाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। तो जब आप डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं तो इमेटीरियल है कि पैसे कमाए किसने, रेजिडेंट्स ने कमाए या नॉन रेजिडेंट्स ने कमाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है कहाँ कमाए। इतनी सी बात समझ आएगी तो बहुत आसान है, इतनी सी बात नहीं समझ आएगी तो मुश्किल है। कंक्लूड करूंगा, जब हम डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड के, तो हमें देखना है कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हुई है तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हुई है तो डोमेस्टिक इनकम में नॉट इंक्लूडेड है। तो अब बस हमें यह समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन लेमेंस लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, कि जो भी आपके पॉलिटिकली मैप पे आ रहा है, जो भी आपके बॉर्डर्स के अंदर अंदर है वो है। अरे वो तो एक लेमैन टर्म में, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है, इससे ज्यादा है। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड, मतलब कह रहे जो आपके नक्शे पे आ रहा है, जहां जहां आपके पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो भी आपके बॉर्डर्स हैं, विद इन दैट जो आ रहा है वो तो है ही है, उसके अलावा और क्या क्या है, उसके अलावा ध्यान से देखेंगे, ships and aircrafts owned and operated by residents, रेजिडेंट मतलब इंडियन रेजिडेंट्स ओन करते हैं ships and aircrafts, वो दुनिया में कहीं पे भी जाके इनकम जनरेट करें, ये माना जाएगा या अज्यूम किया जाएगा कि इनकम वॉज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। शिप यहां से सेल करके गया दुबई, दुबई से कुछ सामान लेके आया, बट वो शिप वॉज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडियन रेजिडेंट, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि एज इफ द इनकम वॉज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसी कोई एरोप्लेन बाहर की कंट्रीज से कुछ रेवेन्यू जनरेट करके आया, बट एक इंडियन रेजिडेंट, इंडियन कंपनी उसको ओन करती है, ऑपरेट करती है, तो ये माना जाएगा कि एज इफ इनकम वॉज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। बट सर आपने तो बोला कि जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे कमाए किसने। अब आप बोल रहे हो नॉर्मल रेजिडेंट्स, मैं नहीं बोल रहा नॉर्मल रेजिडेंट्स, मैं बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल बैरियर्स तो आ गए, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आ गए, उसके अलावा जो शिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं ओन्ड बाय इंडियंस, तो वो शिप्स दुनिया में कहीं पे भी पैसा कमाएंगे ना, ऐसा अज्यूम किया जाएगा एज इफ द इनकम वॉज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो वो खुद ही ऐसे एक्सेप्शनल आइटम्स बता रहे हैं कि विद इन द बाउंड्री आ गया, वो तो हो गया, उसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फिजिकली इंडिया के अंदर दिख नहीं रही बट माना जाएगा कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं। क्यों माना जाएगा? फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two or more countries, for example planes operated by air india between russia, kahin pe bhi kisi bhi aur country mein kuch bhi ho raha ho but owned and operated by indians, they will be considered as a part of the domestic territory of india. sir wo hai thodi na, wo nahi hai tabhi to wo specially aapko bata raha hai ki maan liya jayega, hoti to fir wo obvious si baat hoti, to jaise ye एरिया है, इज दिस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यस, तो ये तो पॉलिटिकल बैरियर्स में कवर हो गया। अब वो आपको बता रहे कि उसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगेगा फिजिकली कि वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है बट फिर भी मान ली जाएंगी फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। शिप्स और प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज between India and Japan will be part of domestic territory of Singapore. तो अगर कोई बाहर की कंट्री का प्लेन यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, वो यहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो प्लेन्स ships जिस कंट्री के हैं वो उसी की ships और planes तो जिस कंट्री के हैं ये माना जाएगा कि उस कंट्री की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही। Wait out? Fishing vessels, oil and natural gas rigs. Fishing के हम rights ले लेते हैं, जैसे कि for example हमने fishing करनी है, अब श्रीलंकन waters में जाके करनी है, अगर हमने rights purchase कर लिए तो हम कर सकते हैं international waters में, otherwise नहीं। हमारी एक limitation है कि वैसे कहते हैं up to 200 nautical miles, knowledge के लिए आपके कोई examination point of view से important नहीं है, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। सर ये नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस मेजर्ड इन सी, तो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट वैसे ही है। अगर आपने इंटरनेशनल वाटर्स में जाके फिशिंग करी,
चाहे ऑयल एक्सप्लोरेशन करी, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन करी, तो ये मान लिया जाएगा। इंटरनेशनल वाटर्स में भी अगर करी, तो अगर वहां पे कुछ मिल गया, कोई इनकम जनरेट हुई, तो ये माना जाएगा एज इफ द इनकम वॉज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। बट सर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में जाके? आप राइट्स परचेज करते हैं। अब वो कंट्री कह रही कि भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं कि इतने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट करके हम यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन करें, आप करना चाहते हो कर लो, हमें पैसे दे देना थोड़े से। बात समझ आई? फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो अगर इंडियन रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, अपने राइट्स परचेज कर रखे हैं, तो चाहे आप इंटरनेशनल वाटर्स में जाके कर रहे हैं, अज्यूम किया जाएगा एज इफ द इनकम इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अज्यूम किया जाएगा। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बेसीज, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इंडिया में होगी या इंडिया के बाहर होगी? इंडियन एम्बेसी इंडिया के बाहर ही होगी, इंडिया में तो हो नहीं सकती। एम्बेसीज आपके इमिग्रेशन, वीजाज, ये सब चीजें देखती है, और ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्रीज में अपने रेजिडेंट्स का राइट्स सेफगार्ड करने के लिए होती है, ध्यान रखने के लिए उनका। पॉइंट, इंडियन एम्बेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंडियन एम्बेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लाइकवाइज, अगर इंडिया के अंदर यूएस की एम्बेसी है, वो इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी, जिस कंट्री की है उस कंट्री का पार्ट मान ली जाएगी। बड़ी क्लियरली लिखा होता है एम्बेसी के बाहर, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कंट्री दिस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल सीपी में, चाणक्यपुरी में मेरी जमीन है, चाणक्यपुरी में मेरी जमीन है 100-200 करोड़ की, वो मैंने रेंट पे दे रखी है। किसको? यूएस एम्बेसी वालों को मैंने रेंट पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, रेंट रिसीव्ड बाय मी, रेंट रिसीव्ड बाय मी फ्रॉम यूएस एम्बेसी। मेरी जमीन चाणक्यपुरी दिल्ली में, वो जमीन मैंने रेंट पे दे रखी है यूएस एम्बेसी को। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई भी चीज डोमेस्टिक इनकम में आएगी कि नहीं आएगी, आपको ये सोचना है कि वो इनकम जनरेट कहाँ हुई है। अगर वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है तो वो डोमेस्टिक इनकम में आएगी, नहीं हुई है तो नहीं आएगी। क्लियर? किसने कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता, कहाँ जनरेट हुए हैं उससे फर्क पड़ता है। चाणक्यपुरी में जनरेट हुए, दिल्ली में जनरेट हुए, तो मेरा क्वेश्चन है कि वो इंक्लूडेड होगा डोमेस्टिक इनकम में या नहीं? होगा, नहीं होगा, होगा, होगा। मैं कहता हूं नहीं होगा। सर ऐसा क्यों कहते हो आप? ऐसा इसलिए कहता हूं कि सर वो जमीन तो दिल्ली में ही है। नो, इनकम कहाँ जनरेट हुई है, यूएस एम्बेसी में या उसके बाहर? अब तो वो जो जमीन है, अब तो वो ऑफिस यूएस एम्बेसी बन चुका है। क्या बन चुका है? यूएस एम्बेसी। एंड यूएस एम्बेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, और वहां पे कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड रेंट इनकम जनरेट हुई, लेबर वेजेस एंड सैलरीज जनरेट हुई, प्रॉफिट्स, कुछ भी, वो कहाँ जनरेट हुए हैं? तो यूएस एम्बेसी में हुए हैं। एंड यूएस एम्बेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपने ये कमाया है जो हुआ है वो यूएस का उस पार्ट बिल्डिंग में कोई भी इनकम जनरेट हुई, उस बिल्डिंग में कोई भी इनकम जनरेट हुई,
तो ये माना जाएगा कि यूएस एम्बेसी मतलब यूएस में इनकम जनरेट हुई है। तो अगर मुझे रेंट मिल रहा है ना, तो मेरे लिए है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि मैंने फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी है एक फॉरेन कंट्री को, ये मान लिया जाएगा। ये बता रहे ना कि एम्बेसी जिस कंट्री की है, जिस कंट्री की है, इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, चाहे वो कंट्री में किसी वर्ल्ड में कहीं भी हो। तो ये रूल किस पे अप्लाई होता है? एम्बेसी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, आपके कैंप्स, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी से रिलेटेड ही होता है, आपके एम्बेसडर्स, उनकी जो बिल्डिंग है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अभी आपको पता चल जाएगा वो एक अलग चीज है। बट एम्बेसी क्लियर, कॉन्सुलेट उन्हीं की बिल्डिंग है जो ऑफिशियल्स आपके रह रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री कैंप है, इंडियन मिलिट्री कैंप लगा हुआ है किसी और कंट्री में, अफगानिस्तान में, तो उस कैंप में अगर कुछ भी इनकम जनरेट, सर कैसी बातें कर रहे हो, मिलिट्री कैंप में कैसे इनकम जनरेट होगी? अरे सोल्जर सर्विस रेंडर कर रहे हैं, सोल्जर सर्विस रेंडर कर रहे हैं, वहां पे रह के सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो उनको सैलरी तो मिल ही रही होगी ना, तो वो अज्यूम किया जाएगा कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही जनरेट हो रही है। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सुलेट आपको बताया अभी कि इट इज एन ऑफिस बिल्डिंग यूज बाय काउंसिल एन ऑफिस ऑफिसर कमीशन बाय द गवर्नमेंट टू रिजाइड इन अ फॉरेन कंट्री टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री टू विच इट बिलोंग्स। मतलब इंडियन एम्बेसडर वहां पे क्या हुआ है, तो उनको एक ऑफिशियल बिल्डिंग दी जाती है कि भाई साहब आप यहीं रहेंगे, तो वो कॉन्सुलेट होता है, तो वो भी एम्बेसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट मान लिया जाता है। क्लियर? कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, मतलब कह रहे ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको फिजिकली इंडिया के अंदर दिख रही होंगी, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। बाहर की एम्बेसीज, तो जैसे हमारी एम्बेसी कहीं पे भी इंडिया का पार्ट मानी जा रही है, तो बाहर की एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, तो फॉरेन कंट्रीज के अगर इंडिया के अंदर है तो फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी, इंडिया का नहीं। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जापानीज एम्बेसी इन इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान एंड नॉट इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये कोई एमएनसीज की बात नहीं हो रही, एमएनसीज की बात नहीं हो रही कि डोमिनोज और एनी फॉरेन ब्रांड एसिक्स और व्हाटएवर, एमएनसीज की बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन, लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी? जहां पे उनका हेडक्वार्टर है, जहां पे उनका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वो यहाँ का पार्ट नहीं मानी जाएगी। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन जितनी सारी बातें पढ़ लो, सबसे काम की बात क्या है, जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या देखना है, इनकम कहाँ जनरेट हुई। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई तो डोमेस्टिक इनकम है, उसी पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या क्या है। जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देखना है कि इनकम जनरेट कहाँ हुई, किसने कमाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी डाउट? चलो बेटा जस्ट रीड और अटेम्प्ट करेंगे, हाँ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा। ओके, पहले आप ट्राई करें फिर मैं बताता हूं।